अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए छोटा सा व्लॉग लाई हूँ, मेरे संडे का रूटीन। अच्छा जी, ये है सुबह का टाइम, संडे का दिन है और सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। मैं अपनी फैमिली के लिए मसाला रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया हुआ गेहूँ का आटा, 2 कटोरी जितना गेहूँ का आटा था उसमें मैंने डाल दिया है धनिया और हरी मिर्च को चॉप करके, और हल्दी डाल दी है मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ले लिया है, उसको मैं हाथों से क्रश करके उसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, नमक आपके स्वाद अनुसार डालिए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून के करीब है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहो तो अदरक और लहसुन को चॉप करके डाल दीजिए। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया था। सारे मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मेरे पास हरा लहसुन पड़ा हुआ था चॉप किया हुआ, वो मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। डो को अच्छी तरीके से मैं गून लूँगी। मैंने उसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड किया था, मैं ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे हार्ड डो चाहिए, इसका ज़्यादा नरम ना हो जाए, थोड़ा सा मुझे हार्ड चाहिए। अच्छा जी, आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। उसके बाद मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। बस सिंपल तरीके से इसकी रोटी बेलते हैं। ऊपर मैंने 1 टीस्पून के करीब ऑयल लगा दिया था, और रोटी के तरीके से इसको मैं बेल लूँगी। आटे को मैं लगाऊंगी, उसके बाद मैं इसको बेलूंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहो तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे दीजिए, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। ऐसे भी आप अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं। मेरे घर पे ये संडे को कभी कभी मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और स्कूल में भी ले जाते हैं वो। अच्छा जी, अब मैं रोटी को मैंने बेल लिया है, तवे में मैंने उसको डाल दिया है। इसकी सिकाई कर लूँगी दोनों तरफ से इसको सेक लूँगी। उसके बाद मैं हल्का सी ऑयल डालूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करूँगी इसे, क्योंकि ये वाली रोटी में ना हल्का हल्का ऑयल या घी, अगर आप चाहो तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये मैंने नाश्ता अपनी बेटी के लिए बनाया है, मैं उसको दे दूँगी। और मैं आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने चाय भी बना ली थी, अब मैं अपनी बेटी को दे दूँगी नाश्ता। उसके बाद ये दोपहर का वक्त आ जाता है, तब का मैं लंच आपको बता देती हूँ कि मैंने फिश फ्राई बनाई थी और मटन की तरकारी बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं दी बस। और साथ में मैंने चपाती बना ली थी, मेरी फैमिली को दे दूँगी, वो सब खा लेंगे। उसके बाद था शाम का वक्त, ये कुछ तकरीबन 6 बजे का वक्त था। मेरी बड़ी वाली बेटी को बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने पत्तरवेरी के जो भजिए होते हैं ना, उसको मैंने भाप खिला के जैसे स्टीम करके ने मैंने फ्रिज में स्टोर किए थे, बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको 2 तरीके से फ्राई करते हैं। एक मैं अभी जो इमली की चटनी में इसे बनाऊँगी, आप चाहो तो तेल में इसे ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हो, बड़े मज़े के लगते हैं ये, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आगे आपको दूँगी। अच्छा जी, मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी मैं। मैंने भजियों को कट कर लिया था, जो भजिए का मैंने बीड़ा बना के रखा था उसको मैंने कट कर लिया है। ज़्यादा मोटे वाला नहीं किया, ना ही पतले वाला। इसको ज़्यादा पतला करते हैं ना तो ये पूरा छूट जाता है, और बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं करे कि खाने में फिर मज़ा नहीं आता, वो अंदर से जल्दी से फ्राई नहीं होता है, इसलिए मीडियम साइज़ का मैं इसे फ्राई करती हूँ। मैंने 2 हरी मिर्च को कट करके उसमें डाल दिया था। मैंने आँच को बिल्कुल मीडियम रखा है, और ये इमली की चटनी जो मैं स्टोर करके रखती हूँ उसको मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया था। बस इसको हल्के हाथों से चलाऊंगी। उसके बाद मैं इस पे वाइट तल डाल दूंगी और हरा धनिया चॉप करके डाल दूंगी। आप देख सकते हो इतनी अच्छी तरीके से, इतने मज़े के बन जाते हैं ना ये,
इस तरीके से भी आप खाओगे और इसे ऑयल में फ्राई करके भी खाओगे तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। रमज़ान में इसे आप ज़रूर बनाएं। जाहिर सी बात है, रमज़ान में आपके घरों में बनते भी होंगे ये। बस मैंने वाइट तल डाल दिए है और हरे धनिए को मैंने कट कर लिया था और उसमें डाल दिया था। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मेरा संडे जिस तरीके से गुजरता है मैं आपको बता देती हूँ, आपका संडे कैसे गुजरता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बस ये रेडी हो चुके थे, मैं अपनी बेटी को दे दूँगी और ये लोग खा लेगी। फिर शाम को मुझे कहीं जाना था दावत में, तो मैं वहाँ चली गई थी मेरी फैमिली के साथ में। वहाँ पे भी मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया था, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रश था, वहाँ पे बहुत लोग थे इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बस ये वहाँ का डिनर था, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और ये है मंडे के दिन मॉर्निंग का वक्त, मेरी बेटियाँ स्कूल जा रही थी तब का है। यहाँ पे भी मैंने इन लोग के लिए मसाला रोटी भी बनाई थी और अंडा भी फ्राई किया था और चपाती भी बनाई थी। बस मैंने ज़्यादा व्लॉग आपके लिए शूट नहीं किया है। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अब मैं अंडे को हाफ फ्राई कर लूँगी क्योंकि मेरी बेटी को हाफ फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको येलो वाला जो पार्ट्स रहता है ना अंडे का, उसको भी पूरा सीख जाना चाहिए, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। वो इस तरीके का अंडा खा लेती है। बस अब मैं उस पर कुछ मसाले डाल दूँगी। काली मिर्च को मैं कूट के डाल दूँगी, फ्रेश वाली काली मिर्च। थोड़ा सी सॉल्ट डाल दूँगी और ऊपर से मैं जीरा जो मेरे पास है भुना हुआ पाउडर के फॉर्म में है जो, वो उसको ऊपर से डाल दूँगी। बस वो बड़े शौक से खा लेगी। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मेरी रेसिपीज कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छी लगती है लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, एक नई रेसिपी लेके आऊँगी आप सबके लिए। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।